Hi everyone, this is Alize Tahir and welcome back to my YouTube channel. So guys, क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसी क्रीम, एक ऐसा सीरम, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे आपके फेस पे ग्लो आए? हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विटामिन सी सीरम्स हमारी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और हमें इसे किस तरह यूज करना चाहिए ताकि हमें जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स मिले। विटामिन सी जो है वो बहुत पॉपुलर विटामिन है स्किन के लिए। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये हमारी स्किन में स्टोर नहीं होता। जितना भी हम विटामिन सी जो है ओरली ले रहे हैं वो हमारी इंटरनल ऑर्गन को तो बेनिफिट दे सकता है, लेकिन ये हमारी स्किन तक नहीं पहुँचता। इसकी वजह से हमें विटामिन सी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बेनिफिट्स उठाने के लिए विटामिन सी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में आता है, क्रीम्स में, जेल्स में, सीरम में, लेकिन जो सीरम की फॉर्म होती है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे अच्छी होती है। तो विटामिन सी सीरम स्किन पर लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये एक एंटी ऑक्सीडेंट है और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी स्किन पे, बॉडी पे, उसे ख़त्म करेगा, चाहे वो स्ट्रेस से हो या पॉल्यूशन से हो या किसी भी चीज़ से हो, ये उन सब चीज़ों को ख़त्म करता है और फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को बचाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन सी का जिसके लिए बहुत पॉपुलर है, वो है ब्राइटनेस। इससे स्किन पे जो है वो ग्लो आता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेलानिन प्रोडक्शन को जो है वो कम करता है। मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने से आपकी स्किन पे जो है वो डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन जो है वो कम होगी और आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो ग्लूटाथॉन और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जो आपकी स्किन को बेनिफिट करेगा। और विटामिन ई जो है वो एक्सफोलिएट करता है डेड स्किन सेल्स की। जब डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं तो आपकी स्किन पे ब्राइटनेस आ जाती है, ये आपकी स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन को स्मूथ भी करता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है और अनइवन स्किन टोन है तो ऐसे में आपकी स्किन के लिए विटामिन सी बेस्ट नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग स्किन लाइटनिंग एजेंट जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या फिर हाइड्रोक्विनोन यूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको अपनी स्किन पे ब्राइटनेस चाहिए या फिर आपको ग्लो चाहिए तो आप विटामिन सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन सी जो है वो कोलाजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है जिससे जो है वो फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी कम हो जाते हैं। और मैं रेकमेंड करती हूँ विटामिन सी यंग एडल्ट्स को क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी हो सकता है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, ये हेयर के लिए भी अच्छा है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो विटामिन सी जो है वो ओरल फॉर्म में भी बहुत अच्छा है। तो विटामिन सी जो है वो कौन कौन से फूड सोर्सेज में होता है? ऑरेंज में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, पपाया, कीवी और मैंगो में भी विटामिन सी होता है। जहाँ तक कि हम वेजिटेबल की बात करें तो कैबेज में होता है, बेल पेपर में होता है और ब्रोकली में भी विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। विटामिन सी के दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं सीरम में। सबसे पहला होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा होता है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा फॉर्म है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता आपकी स्किन पे। ये जो है वो बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो एल एस्कॉर्बिक एसिड आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। आपके लिए जो है वो मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट है, ये कम इरिटेटिंग है और ज़्यादा स्टेबल है ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं है जितना एल एस्कॉर्बिक एसिड है। और अगली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप विटामिन सी बाय कर रहे हो तो वो एक ओपेक जार में होना चाहिए, यानी डार्क ब्लू या फिर ब्राउन बॉटल में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है वो धूप में ख़राब हो सकता है और ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आप बाय करते वक्त ये ज़रूर चेक कर लें कि वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में ना हो, एयर टाइट बॉटल में हो।
और अगर आप घर में भी विटामिन सी रखें तो वो कूल और ड्राई जगह पर रखें, ऐसी जगह पर नहीं रखें जहाँ पर वो धूप से जो है वो डैमेज हो सके, उसके मॉलिक्यूल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाए। और अगली एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप विटामिन सी बाय करें तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उसमें विटामिन ई, हाइरोलोनिक एसिड और फेरुलिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट हों, क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आपकी स्किन को बेनिफिट करते हैं और जो है विटामिन सी के मॉलिक्यूल को भी स्टेबलाइज करते हैं। और हाइरोलोनिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं और विटामिन सी की इफ़ेक्टिवनेस को भी बढ़ाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। हमें 1-2 ड्रॉप जो हैं विटामिन सी के अपने एयर और नेक पर अप्लाई करने चाहिए रात को, और सुबह उठ के हमें देखना चाहिए कि हमें इससे कोई रेडनेस और रैश तो नहीं हुआ। सो इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ वेशीज का विटामिन सी ब्राइटनिंग स्किन करेक्टर, और ये ऑलमोस्ट जो है 180 दिरहम्स का है, और यानी कि 7900 PKR पाकिस्तानी रुपीस, और ये जो है ये 10 ml है। तो इसमें जो है वो है विटामिन सी और प्योर हाइरोलोनिक एसिड। और विटामिन ई का फ़ायदा जो है वो ये रहता है कि वो विटामिन सी की पोटेंसी को बढ़ाता है, उसे इन्हेंस करता है, यानी कि अगर विटामिन ई विटामिन सी सीरम में है तो वो उसे और इफ़ेक्टिव करता है। और विटामिन ई डालने से जो है विटामिन सी का असर जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें 15% जो है विटामिन सी है, और ये आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करेगा, अनइवन स्किन टोन को जो है वो इम्प्रूव करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। इसमें जो है विटामिन ई और हाइरोलोनिक एसिड है, ये इसके एडेड एडवांटेजेस हैं। ये जो है वो सीरम की फॉर्म में है, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और ये ड्राई और ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। मुझे वीशीज़ का विटामिन सी सीरम काफ़ी पसंद है और इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी फास्ट है, और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप विटामिन सी सीरम जो है वो डैम फेस पे लगाएं, क्योंकि उस पे जो है वो स्टिंकिंग सेंसेशन जो है वो कम हो जाती है और एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन सी सीरम जो है वो अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं एक क्लीन ड्राई टॉवल या टिश्यू से अपने फेस को टैप कर रही हूं। और 3-4 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन सी अपनी फिंगर टिप से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूं। अब हम अराउंड 3-4 मिनट्स वेट करते हैं और फिर कोई भी मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन अपने पूरे फेस पर इवनली अप्लाई कर देते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे कमेंट भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।